हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की जो वीडियो है ये है यूएस स्टडी वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स के बारे में। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कब ओपन होने हैं स्लॉट्स, तो उसी के बारे में ये वीडियो आज की हमारी रहेगी। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है रोहित मल्होत्रा, आई एम द को फाउंडर ऑफ डी फोर शैडोकॉम, आई एम अ लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रहती है वीज़ा से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी हर टॉपिक के ऊपर। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूँगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ कि ये वीडियो यूएस स्टडी वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसका मैं मेथड समझा दूंगा। एक तो सिर्फ जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि बड़े सारे बच्चे टेंशन लेके बैठे होते हैं, यार स्लॉट कब मिलेगा, कब इंटरव्यू होगी, ए बी सी। समझना सुनना मत। अगर सुनने वाले हैं तो उनके लिए बता दूं कि नवंबर में ओपन हो रही हैं, नवंबर मंथ में ओपन होनी है अपॉइंटमेंट्स। अभी जो समझने वाले हैं वो ये समझ लो कि एम्बेसी कर क्या रही है, पिछले एक साल से एम्बेसी कर क्या रही है कि जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, देखो दो मेन इनटेक होते हैं, जनवरी एंड अगस्त। जब अगस्त की क्लासेस स्टार्ट होनी होती हैं तो दो महीने पहले एम्बेसी दबा के इंटरव्यू करती है अच्छे से, बहुत सारे स्लॉट्स ओपन होते हैं। जब जनवरी इंटेक की इंटरव्यू होनी है तो एम्बेसी नवंबर दिसंबर में, मतलब दो महीने पहले ही। देखो रूल वैसे चार महीने का है, लेकिन कोरोना के बाद ये दो से ढाई महीने ये इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर आप समझो, अगर आप हिस्ट्री देखो ना पिछले एक डेढ़ साल में ये कर क्या रहे, तो आप यही नतीजे पे पहुंचोगे कि ये लोग दो महीने पहले इंटरव्यूज करते हैं, अच्छे से स्लॉट ओपन होते हैं। आप सिर्फ अपनी I-20 मंगवा के रखो और अपनी एम्बेसी की फी पे करके रखो, ये दो काम आप करके रखो बस जो आप कर सकते हो, ठीक है। और कभी भी ये नहीं वेट करनी कि जब अपॉइंटमेंट्स ओपन हो गए मैं एम्बेसी की फ़ी तब पे करूँगा। अपॉइंटमेंट की फ़ी पे करके रखो, तभी आप ले पाओगे। अगर आप वीज़ा सक्सेस रेट का जानना चाहते हो, अच्छा रहेगा इस बार। देखो ये हर इंटेक में वीज़ा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, सक्सेस रेट बढ़ रहा है। देखो 62,000 वीज़ा ग्रांट हुए थे 2021 में, अभी 82,000 वीज़ा ग्रांट हुए इस साल अगस्त में, ये रिकॉर्ड है। इतने वीज़ास किसी देश ने नहीं दिए इस साल, ना कनाडा ने, ना यूके ने, ना ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने 82,000 वीज़ा दिए हैं। तो इससे ये भी समझ आता है कि सक्सेस रेट अच्छा रहेगा, अगर आप अच्छे से तैयार हो, आपने रेलेवेंट प्रोग्राम ले रखा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन होगी फिर से एक वीडियो बना के आपको जानकारी दूंगा। सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लोगों के साथ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कब स्लॉट ओपन होने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।